भर में कोरोना वायरस से मजीद 76 मौत, 2751 नए केस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,00,000 से ज्यादा हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,255 कोरोना टेस्ट किए गए, मजीद 2751 नए केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की कुल तादाद 2,43,000 हो गई। पंजाब में 1,970 अफराद जान की बाजी हार चुके। सिंध में 1,670, खैबर पख्तूनख्वा में 1,063, इस्लामाबाद में 146, बलोचिस्तान में 125, गिलगित बल्तिस्तान में 34, जबकि आजाद कश्मीर में 41 अफराद जान बहक हो चुके हैं। लाहौर में नया शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी। नया शहर दुबई के तर्ज पर 1,00,000 एकड़ से जायद रकबे पर बनाया जाएगा। नए शहर में एक बड़ी झील और 3 बेराज भी बनाए जाएंगे। शहर बसने से न सिर्फ लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि निजी शोबे की जानब से 5,000 अरब रुपए की सरमायाकार भी मतवक्को है। कराची में बिजली के बाद गैस का बहरान भी सार उठाने लगा। गैस की कमी की वजह से CNG स्टेशन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सिस्टम में गैस की कमी और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी की वजह से CNG सेक्टर को सप्लाई बंद की। वाजिया रहे कि सुई सदरन गैस कंपनी ने कराची में लोड शेडिंग कम करने के लिए के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करने का फैसला किया, जिसके लिए संतों के बिजली घरों को 3 और CNG स्टेशन को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। यूरोप के बाद अमेरिका ने भी कौमी एयरलाइन PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी, और इस हवाले से अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इलामिया भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि PIA के खसूसी इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया है और ये पाबंदी PIA परवाजों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस लगाई गई। इलामिया में कहा गया पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। PIA की हर किस्म की परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। अब PIA अमेरिका के लिए अपनी परवाजें नहीं चला सकेगी। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू, 25,000 नए केस रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,67,000 और हलाकतें 21,000 से ज्यादा हो गई। रवा वर्ष मार्च के बाद ये पहला मौका है कि जब इन्फेक्शन की तादाद में इस हद तक इजाफा हुआ। आलमी सतह पर भी भारत कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। अस्पतालों में कोरोना वार्ड भर चुके, ज्यादातर मरीज वेंटिलेटर न मिलने की वजह से लुकमा अजल बन गए। सादकाबाद रेलवे ट्रैक पर बैठे बुजुर्ग ट्रेन की टक्कर से जख्मी, रेस्क्यू ने सिविल अस्पताल सादकाबाद मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद शख्स ट्रैक पर बैठा ट्रेन देख रहा था कि दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ गई, उठने की कोशिश में जान बच गई।